लास्ट टाइम ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस किया था, हमने ये देखा कि कुछ साइंटिस्ट ने फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के ऊपर काम किया। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में फोटो सेंसिटिव प्लेट रखी गई, फोटो सेंसिटिव प्लेट पे रेडिएशंस को घेरा गया, इलेक्ट्रॉन्स ने एनर्जी को लिया और इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेके हवा में मेटल की प्लेट के सरफेस से बाहर आ गए। बहुत सारे साइंटिस्ट ने काम किया, जे जे थॉम्सन से लेके बहुत साइंटिस्ट हैं, जो हर्ट से लेके बहुत साइंटिस्ट हैं जिन्होंने काम किया, लास्ट टाइम डिस्कस किया था। इन सब ने मिल के एक ऑब्जर्वेशन दी, या बहुत दो तीन ऑब्जर्वेशन दी। वो दो तीन ऑब्जर्वेशन क्या हैं इसको समझने के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है। इसका पहला पॉइंट है इनकी ऑब्जर्वेशन का कि अगर मैं ये बोलता हूँ कि नंबर ऑफ फोटॉन्स मैं इंक्रीज करता हूँ, अगर मैं मेटल की सरफेस पे, ये ध्यान से समझना है, पूरे चैप्टर का सबसे काम की चीज़ यही है, ठीक। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर इंक्रीज करता हूँ, मैं ज़्यादा फोटॉन्स गिरता हूँ, तो आप ये समझना कि यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस ज़्यादा है। तो इसके अंदर, इस चैप्टर में इंटेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड जो किसी एरिया पे गिर रहे हैं। तो किसी भी एरिया के ऊपर जो नंबर ऑफ फोटॉन्स गिर रहे हैं पर सेकेंड, उसको इंटेंसिटी बोलते हैं। इन शॉर्ट, अगर मैं पाँच फोटॉन्स गिरता हूँ या मैं 500 फोटॉन्स गिरता हूँ, तो इसकी इंटेंसिटी कम है, इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है एक सेकेंड के अंदर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड ज़्यादा गिरना मतलब इंटेंसिटी का ज़्यादा होना। पहला पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। नंबर टू, अगर ये फोटोन है, ये एक फोटोन है, इस फोटोन की जो एनर्जी है वो एच न्यू है, इस फोटोन की एनर्जी एच न्यू है, या फिर इस फोटोन की, एक फोटोन की बात हो रही है, एनर्जी एच सी बाय लैम्डा है। अगर मैं ये बोलता हूँ कि इसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो समझ लेना कि इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, फोटोन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। क्लियर है यहाँ तक? तो एनर्जी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने का मतलब एनर्जी ज़्यादा होना, और एक फोटोन की एनर्जी इसके इक्वल है, ठीक। नंबर 3, जब भी एक फोटोन गिरेगा वो किसी इलेक्ट्रॉन को मूव करवाएगा, इलेक्ट्रॉन को उसकी सरफेस से, एटम से रिलीज करवाना है, तो मिनिमम उसको एनर्जी चाहिए, उसको वर्क फंक्शन बोलते हैं। और फोटोन की एनर्जी क्या होती है? एच न्यू। तो मैंने फोटोन की एनर्जी को घेरा एच न्यू, और इसमें से कुछ एनर्जी किस में कंज्यूम हो गई? वर्क फंक्शन में, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवाने में। बाकी बची हुई एनर्जी से इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर आएगा और हवा में काइनेटिक एनर्जी लेके आगे चला जाएगा। तो बची हुई एनर्जी इज हाफ इंटू एम इंटू वी मैक्स का स्क्वायर। तो बची हुई एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है जिससे कि पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन क्या है वो मूव करेगा। ये जो टर्म है, ये एनर्जी किसने दी? फोटोन ने दी। ये टर्म किसके लिए है? इलेक्ट्रॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन का वर्क फंक्शन है और बची हुई एनर्जी से वो काइनेटिक एनर्जी से मूव करेगा। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? अब इमेजिन कर लो, आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, चलो मूव कर गया, सरफेस में से बाहर निकल गया, उसकी कोई काइनेटिक एनर्जी है। तो ये लो, मान लो आपका इलेक्ट्रॉन बाहर मूव कर गया और वो इतनी एनर्जी से मूव करता हुआ जा रहा है, लेकिन मैं इसको अब रोकना चाहता हूँ। रोकने के लिए मेरे को एक प्लेट लगानी पड़ेगी सामने जिसके ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल है, ताकि मैं इसे स्टॉप कर सकूँ। और यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है? वी नॉट है। तो एक इलेक्ट्रॉन है जिसका पोटेंशियल वी नॉट है, तो मेरे को कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी इसे? E इंटू वी नॉट, ताकि मैं इसे स्टॉप कर सकूं, रोक सकूं, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव को रोकेगा। तो E वी नॉट एनर्जी से क्या होगा? मैं इसे रोक लूंगा। तो किसे रोकूंगा? इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है
हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर वो किसके इक्वल कर दूंगा, ई वी नॉट, और ये काइनेटिक एनर्जी को खत्म कर देगा और इसको इलेक्ट्रॉन को रोक देगा। तो इस वी नॉट का नाम है, वी नॉट का नाम है स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, या फिर इसका नाम है रिटार्डिंग पोटेंशियल, रिटार्डिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल इसका नाम है। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल या रिटार्डिंग पोटेंशियल। तो अब मेरी इक्वेशन क्या बन गई? मेरी इक्वेशन ये बनी कि मेरे पास फोटोन है एच न्यू, इस फोटोन में से कुछ एनर्जी कंज्यूम होगी इन द फॉर्म ऑफ वर्क फंक्शन और कुछ काइनेटिक की फॉर्म में आगे चलना स्टार्ट हो गई। मैं ऐसा भी कर सकता हूं, मैं एच न्यू को लिख सकता हूं वर्क फंक्शन प्लस, इसकी जगह काफी जगह ईवी नॉट भी लिखा जाता है, एक ही बात है, एक ही बात है, हाफ एम वी स्क्वायर की जगह ई इंटू वी नॉट भी लिखा जा सकता है। वी नॉट मीन स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर को किसके साथ इक्वेट किया था? ई वी नॉट के साथ। तो या तो न्यूमेरिकल में फर्स्ट इक्वेशन या न्यूमेरिकल में सेकेंड इक्वेशन, ये रूल भी क्लियर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस पूरे लेक्चर की, जिसके ऊपर पूरा लेक्चर आज का लेक्चर बेस्ड है, वो क्या? अगर मैं एक फोटोन लेता हूं और जिसकी एनर्जी फोटोन की 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और मैं इसे इलेक्ट्रॉन पे गिरता हूं, इलेक्ट्रॉन का वर्क फंक्शन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो क्या ये फोटोन इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाएगा? नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है। मेरे को किसी ने सजेशन दिया, एक काम करो आप 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के 2 फोटोन ले लो, दोनों इकट्ठे गिर दो, अब तो 4 हो गई ना, अब तो गिरेगा, क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा इकट्ठे गिरने से? गिर सकता है, गिर सकता है, निकलेगा इलेक्ट्रॉन? नहीं निकलेगा, क्योंकि रूल है फोटो इलेक्ट्रिक एविएशन का, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को टक्कर मार सकता है, 2 फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को टक्कर मार ही नहीं सकते। तो ये जो इक्वेशन लिखी गई है, ये एक फोटोन एंड एक इलेक्ट्रॉन की इक्वेशन है, इसका नंबर ऑफ फोटोन से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है? तो तुम चाहे 500 की जगह 500,000 फोटोन भी गिर दो, जो कमजोर फोटोन है, 500,000 फोटोन मिलके भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि सारे के सारे कमजोर फोटोन है, क्योंकि टक्कर तो एक फोटोन ने एक इलेक्ट्रॉन को मारनी है। क्लियर है यहां तक? इससे बेटर तुम एक ही फोटोन ले आओ 500,000 की जगह, जो कम से कम 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़ा एनर्जी रखता हो, वो निकाल देगा इसे। क्या ये स्टेप समझ में आ रहा है यहां तक कि क्या रूल है? तो अब एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता है, वो भी तब जब इसकी फ्रीक्वेंसी कम से कम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बड़ी हो, तो इसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से बड़ी हो, तो एक फोटोन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, 2 फोटोन 2 को बाहर निकालेंगे, 5,000 को बाहर निकाल देंगे। तो यानी कि अगर मैं नंबर ऑफ फोटोन्स को इंक्रीज करता हूं, या इन शॉर्ट नंबर ऑफ फोटोन्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इंटेंसिटी। तो अगर मैं इंटेंसिटी को इंक्रीज करता हूं, तो अगर मैं नंबर ऑफ फोटोन्स को इंक्रीज करता हूं या मैं इंटेंसिटी को इंक्रीज करता हूं, तो मेरे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकलते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकलते हैं और उनको मैं कैच कर लूं और एक वायर में डाल दूं, तो करंट ज्यादा निकलेगा, उस करंट को क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्योंकि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, 2 फोटोन 2 निकाल रहे हैं, 5,000 निकालेंगे, 6,000 निकालेंगे, तो कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ फोटोन्स अगर आप बढ़ाते हो, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता है। तो नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ाते हो या इंटेंसिटी बढ़ाते हो, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता है। क्या पॉइंट नंबर 1 क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो पहला रिजल्ट, नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता है, ये ऑब्जर्वेशन थी इन लोगों की। दूसरी, अगर सपोज करो, अब इमेजिन करो एक मिनट के लिए, कि मैंने ये कहा इसके अंदर कि एक फोटोन की जगह मैं 5,000 फोटोन्स को यूज करता हूं,
5000 फोटोन करने से क्या इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी? अब इतने सारे फोटोन गिरने से इलेक्ट्रॉन जो उड़ेगा या मेटल की सरफेस से निकलेगा, क्या वो बहुत तेज निकलेगा क्योंकि 5000 फोटोन गिरे हैं? नहीं, वो इसलिए क्योंकि ये इक्वेशन एक फोटोन के लिए है, और जब तक एक फोटोन की फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ती, क्योंकि ये टर्म तो क्या रहती है हमेशा कॉन्स्टेंट, तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, वर्क फंक्शन कॉन्स्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। कोई डाउट इसमें? ये स्टेप यहां तक क्लियर है? फ्रीक्वेंसी बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, लेकिन इसका नंबर ऑफ फोटोन से कोई लेना देना नहीं है। तुम बस एक फोटोन ले लो और एक फोटोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओ, तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, और अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो तुम्हारा स्टॉपिंग पोटेंशियल भी, तुम्हें ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा उसको रोकने के लिए। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मैंने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया तो काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, वो बढ़ेगी, और रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा, पर इस पूरे इक्वेशन का इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है। इसका इस पूरे फॉर्मूले में नंबर ऑफ फोटॉन्स कहीं काम नहीं कर रहा, क्योंकि ये पूरी इक्वेशन सिर्फ एक फोटोन और एक इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? तो अगर मैं एक फोटोन गिरता हूं जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, ज्यादा है, तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा होगा, रिटार्डिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा, और अगर एक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कम है तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कम लगेगा उसको रोकने के लिए। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, पूरे इस कॉन्सेप्ट में से पहली चीज ये बताई कि अगर नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा है तो इंटेंसिटी ज्यादा है तो करंट ज्यादा है। सेकेंड ये बताई, ये इक्वेशन एक फोटोन और इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है, और अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाता हूँ फोटोन की तो उससे फोटोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, एनर्जी बढ़ती है, उससे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ता है, और इन चीज़ों का इंटेंसिटी यानी कि नंबर ऑफ फोटोन से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तक क्लियर है? तो इनकी ऑब्जर्वेशन समझनी कितनी आसान है आपके लिए। देखो, ये ऑब्जर्वेशन इन साइंटिस्ट लोगों ने बनाई, जो मैंने आपको सिखाया, जो मैथमेटिक्स से सिखाया, वो इन साइंटिस्ट को नहीं पता था, क्योंकि वो आइंस्टाइन ने निकाला था, उनको मैथ्स नहीं पता था, पर उनको ये पता था कि जब जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और क्या बढ़ा रहे हैं, इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ फोटोन ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, तो करंट भी बढ़ रहा है, तो लीनियर ग्राफ है। पॉइंट नंबर वन क्लियर है? फोटोन बढ़ाने से करंट बढ़ता है, ये पहला ग्राफ है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये ग्राफ आते हैं पेपर में मार्क करने को, पहला ग्राफ है। दूसरा ग्राफ, इस ग्राफ के ऊपर लिख भी लें कि जब इस ग्राफ के अंदर मैंने तीन रेडिएशन को घेरा एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोटोसेंसिटिव प्लेट में, एक की इंटेंसिटी बड़ी है, एक की छोटी है, तो जिसकी इंटेंसिटी बड़ी है उसमें नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़े हैं, उसमें सैचुरेशन करंट ज़्यादा है, सैचुरेशन मतलब मैक्सिमम करंट ज़्यादा है, और जिसमें रेडिएशन की इंटेंसिटी कम है, नंबर ऑफ फोटोन्स कम है, उसमें करंट कम है, और जिसमें इंटेंसिटी और कम है उसको उसके अंदर करंट और कम है। लेकिन इसके ऊपर लिख लें, इसके अंदर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल फोटोन्स इज कॉन्स्टेंट, ये लिख लें। तीनों रेडिएशन में फ्रीक्वेंसी कॉन्स्टेंट है, और अगर फ्रीक्वेंसी कॉन्स्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कॉन्स्टेंट है, और अगर काइनेटिक एनर्जी कॉन्स्टेंट है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कॉन्स्टेंट है। इसलिए तीनों रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी क्योंकि कॉन्स्टेंट है, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कॉन्स्टेंट है, पर सैचुरेशन करंट की वैल्यू उसकी ज़्यादा आएगी जिसमें नंबर ऑफ फोटोन्स ज़्यादा गिरेंगे। कोई डाउट इसमें? तो ग्राफ की वेरिएशन क्लियर है, किसमें फोटोइलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल का ग्राफ प्लॉट करना है, और इंटेंसिटी अगर ज़्यादा कम है तो कैसे उसे प्लॉट करना है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट ग्राफ है, और ये बता दिया मैंने, हाफ एम वी स्क्वायर ई वी नॉट के इक्वल होता है, और हाफ एम वी स्क्वायर फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है, नंबर ऑफ फोटोन से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो लिख दिया, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, नंबर ऑफ फोटोन से स्टॉपिंग पोटेंशियल को लेना देना नहीं है, एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि दोनों का मतलब एग्जैक्टली सेम है। और तीसरा ग्राफ है, ये देखो, ये ग्राफ है अफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये देखो, ये करंट है और ये पोटेंशियल है। फिर से एक बार, इसके अंदर फिर से तीन रेडिएशन को घेरा, इस पर लिख लो इंटेंसिटी, इसके ऊपर लिखो
इंटेंसिटी की वैल्यू तीनों रेडिएशंस की कांस्टेंट है लिख लो, इंटेंसिटी आई की वैल्यू तीनों की कांस्टेंट है, तो सैचुरेशन करंट भी तीनों में कांस्टेंट है। इंटेंसिटी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ फोटोन तीनों में कांस्टेंट है, तो करंट भी कांस्टेंट है। लेकिन ये लिख लो, ये देखो लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी न्यू थ्री की सबसे ज़्यादा है, तो जिस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसकी काइनेटिक एनर्जी भी इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होगी, उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा, और जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है स्टॉपिंग पोटेंशियल कम है, जिसकी फ्रीक्वेंसी और कम है स्टॉपिंग पोटेंशियल कम है। तो ये ग्राफ आपने प्लॉट करके आना है किसका, जब आपको वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी शो करना है, और वो ग्राफ प्लॉट करके आना है ऊपर वाला जब वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी शो करना है। तो ग्राफ की ये फोटोएं याद समझ में आ रही हैं कि क्या ग्राफ कैसे बनेगा, और ये ग्राफ आज हम बनाना भी सीखेंगे, मैथमेटिकली सीखेंगे, लेकिन एक मिनट में वैसे बता देता हूँ, ये इन लोगों की ऑब्जर्वेशन थी, क्या ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, और ये क्या है फ्रीक्वेंसी है, और ये मेटल ए मेटल बी है, मेटल ए की फ्रीक्वेंसी का थ्रेशहोल्ड न्यू नॉट है, और अगर आपकी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से ज़्यादा है तो ही ये ग्राफ बनेगा, अगर न्यू नॉट से कम है तो ग्राफ ही नहीं बन पाएगा, क्योंकि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी रेडिएशन की न्यू थ्रेशोल्ड से कम है तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन तो होगा नहीं, और इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ग्राफ ही नहीं बनेगा। रोकोगे किसे, जब कोई मूव करेगा उसी को रोकोगे, तो यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं थ्रेशोल्ड से, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रॉन की, आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी साथ के साथ बढ़ता जाएगा। ऐसी मेटल ए का ऐसी मेटल बी का भी सेम ग्राफ है, बस फर्क ये है मेटल बी की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और मेटल ए की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम है। इस ग्राफ को डिटेल में भी हम स्टडी भी करेंगे। तो जिन साइंटिस्ट की कहानी मैंने आपको सुनाई, उन्होंने ये ग्राफ और वेरिएशंस बिल्कुल सही प्लॉट कर ली थी, और उन्होंने कुछ प्रेडिक्शन निकाली, ऑब्जर्वेशन निकाली, और उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन निकाली, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का मतलब हाफ एम वी स्क्वायर, इंक्रीजेज लीनियरली, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊं, फ्रीक्वेंसी फोटोन की अगर बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है, बट इंटेंसिटी से इसका कोई लेना देना नहीं है, नंबर ऑफ फोटोन से इसका कोई लेना देना नहीं है। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? ठीक है यहाँ तक। नंबर टू, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी थ्रेशहोल्ड से कम है तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन विल नॉट टेक प्लेस। तो ये उनकी ऑब्जर्वेशन थी, मतलब ऑब्जर्वेशन तो बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट थी उनकी। ठीक है यहाँ तक।